हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी विच इज फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कुछ इंक्लूजन बॉडी मिलते हैं, तो हमें बताना है कि अमंग द ऑप्शंस कौन सा नहीं है। तो ऑप्शंस हमें क्या 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 दिए गए हैं, दे आर ए में ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल बोला है, बी में पॉलीजोम बोला है, सी में फॉस्फेट ग्रेन्यूल और डी में साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन दैट विल बी इंक्लूजन बॉडीज विच आर फाउंड इन दी प्रोकैरियोट्स, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले। नाउ अगर हम लोग इंक्लूजन बॉडीज को डिफाइन करें, देन बोल सकते हैं कि ये दे आर बेसिकली अ काइंड ऑफ रिजर्व मटेरियल विच आर फाउंड इन दी प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड आर स्टोर्ड इन दी साइटोप्लाज्म। ये सब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं एज द रिजर्व मटेरियल, एंड इनको ही हम लोग इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। नाउ इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं नॉट बाउंड बाय एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन सिस्टम। इनमें किसी भी तरह का मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता है। साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं दे आर फ्री फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म। सो वी कैन राइट दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में फ्रीली ये रहते हैं। नाउ अगर हम लोग कुछ कुछ इंक्लूजन बॉडीज की एग्जाम्पल की बात करें, सो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दे कैन बी ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल या फिर फॉस्फेट ग्रेन्यूल या फिर साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। ये सारे ग्रेन्यूल्स जो हैं, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंक्लूजन बॉडीज विच आर फाउंड इन दी प्रोकैरियोट्स। नाउ तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए, सी और डी वो तो इनकरेक्ट है, बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। नाउ ऐसा जो इंक्लूजन बॉडी का पार्ट नहीं है वो कौन सा है, हमारा ऑप्शन बी। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी दैट इज पॉलीजोम। बिकॉज पॉलीजोम क्या है, पॉलीजोम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ चेन विच इज फॉर्म्ड व्हेन मेनी राइबोसोम्स आर अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए। तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो गया यहाँ पे। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।